जय हो जात तारानी, जय हो दुख हरानी। तो हाय दोस्तों, स्वागत है आज का इस न्यू वीडियो में। तो दोस्तों, जो आप मेरे स्क्रीन में देखें न्यू ट्रेंडिक लिरिक्स वीडियो दुर्गा माँ का फोटो को लेके हम बनाए, दोस्तों कुछ इस तरह से आप एडिट करना चाहते हो तो कैसे एडिट कर सकते हो, तो चलिए दोस्तों आज का इस वीडियो में आप सभी को हम बताने वाले हैं। ज़्यादा दोस्तों वीडियो में लेट नहीं करेंगे, वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले दोस्तों एक बात है आपसे कि आप न्यू हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों इस तरह का वीडियो बनाने के लिए दोस्तों आप सभी को एक ऐप का जरूरत पड़ेगा, उस ऐप का नाम VNF दोस्तों प्ले स्टोर में उपलब्ध है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरह VNF में क्लिक करना है ऐप में। इस बार दोस्तों नीचे यहां पर देख सकते हो प्लस का, इसमें क्लिक करना है और न्यू प्रोजेक्ट में क्लिक करना है। और दोस्तों आपको यहां से फोटो ले लेना है। अब जिस फोटो के लेके आप वीडियो बनाना चाहते हो लिरिक्स वीडियो, तो आपको ले लेना है। इसके बाद दोस्तों ऊपर में ओरिजिनल में देख सकते हो, ओरिजिनल में यहाँ पे क्लिक करके 9:16 में आपको कर लेना है। इसके बाद डन कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको इधर आना है, और इधर आने के बाद दोस्तों स्क्रॉल करके अपना जितना भी इंक्रीज कर सकते हो 10 सेकेंड 15 सेकेंड जितना भी आपका मन हो आप कर लेना। इसके बाद इस फोटो को ब्लर करना है आपको। यहाँ ब्लर का ऑप्शन है, और यहाँ पर बेसिक में क्लिक करके आप अपना मर्जी से जितना भी अपना ब्लर रखना चाहते हैं आप कर लेना। इसके बाद यहाँ पे कट कर देना। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो PIP में क्लिक करना है आपको, यहाँ पे सेकेंड वाला लेयर में यहाँ पे इसमें क्लिक करना है, और यहाँ से आपको एक टेम्पलेट वीडियो ले लेना है। तो दोस्तों हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे टेम्पलेट वीडियो का, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो हम टेम्पलेट वीडियो देख सकते हैं, यहाँ पर मेरे पास है जो टेम्पलेट वीडियो लिए, इसको पूरा फिल कर देना है। यहाँ पर फिल लिखा हो, FILE लिखा हो, फिल में क्लिक करके इसको फिल कर देना पूरी तरह से, और स्क्रॉल इधर करना है, और यहाँ पर देख सकते हो क्रोमा का यहाँ पर ऑप्शन है, क्रोमा में क्लिक करना है। और दोस्तों एक फिंगर से आपको थोड़ा सा इसको नीचे खींच देना है कुछ इस तरह से, और इसको पूरा 50 कर देना है, दोनों को बराबर करके छोड़ देना है और डन कर देना है। आप सभी को थोड़ा सा अप्लाई करके दिखाते हैं आपको, कुछ इस तरह से हो जाएगा। होने के बाद फिर एक बार यहाँ पर PIP में फिर क्लिक करना है सेकेंड ऑप्शन में यहाँ पे, और यहाँ फिर एक बार फिर क्लिक करके यहाँ पर कुछ इस तरह का वीडियो फिर लेना है दोस्तों। ये भी आपको मिल जाएगा, जो टेम्पलेट वीडियो है ये भी मिल जाएगा आपको, मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वहाँ से डाउनलोड करना आसानी से, और इसको भी पूरा फिल कर देना है, फिल करके और इसको स्क्रीन कर लेना है। यहाँ पे ब्लेंडिंग में क्लिक करना है, और स्क्रॉल करके यहाँ पर स्क्रीन का ऑप्शन है, इसमें क्लिक करके स्क्रीन कर देना, डन कर देना। देख सकते हो कुछ इस तरह से हो गया। इसके बाद ऊपर में तीर का यहाँ पर पहचान ऊपर में दिख रहा होगा, यहाँ पे यहाँ से सेव कर लेना है, क्लिक करके यहाँ पर पूरा Full HD में कर लेना है। गैलरी में सेव होने के बाद फिर एक बार VNF में, और यहाँ से फिर प्लस का यहाँ पर दिख रहा हूँ, इसमें क्लिक करना है, फिर न्यू प्रोजेक्ट में क्लिक करना है, और दोस्तों जो फोटो लिए थे पहले उस फोटो को एक बार फिर लेना है आपको, और नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों फिर ओरिजिनल भी क्लिक करके यहाँ पे 9:16 में कर लेना है, इसको डन कर देना है। और आप जितना सेकेंड का वो वीडियो सेव किए थे गैलरी में आपको इंक्रीज कर लेना है, आपको बढ़ा लेना है। कुछ इतना ही था मेरा। उसके बाद आपको यहाँ पर PIP में क्लिक करना है, फिर उसी तरह करना है सेकेंड ऑप्शन में यहाँ पर क्लिक करना है, और जो वीडियो हम सेव किए थे उसको ले लेना है, कुछ इस तरह से आपको ले लेना है। जैसे कि ये वाला, और इसको क्या करना है, इसको पूरा फिल कर देना है कुछ इस तरह से। स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह से आपको कर लेना है वीडियो को, ये क्योंकि ये मुड़ने वाला है, पेपर वाला है तो ये मुड़ जाएगा, तो कुछ इस तरह से कर लेना आपको। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हो क्रोमा का ऑप्शन है, होगा यहाँ पे क्रोमा में क्लिक करना है, और एक फिंगर से आपको कुछ इस तरह से करके तो फिर 50 तक करके डन कर देना है।
कुछ इस तरह दो फिंगर के सहायता से आपको कुछ इस तरह से अच्छा से एडजस्ट कर देना है। यह हो गया, आपको दिखाते हैं एक बार अप्लाई करके, दो फिंगर के सहायता से और अच्छा कर सकते हो, अच्छा से एडजस्ट। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर और एक काम बचा हुआ है, वो गाना इसमें ऐड करना है, सॉन्ग ऐड करना है। तो फिर यहाँ पर PIPM क्लिक करना है, फिर यहाँ पर क्लिक करके दोस्तों YouTube में मिल जाएगा आपको, सिर्फ वहाँ पर ब्लैक स्क्रीन जो भी दुर्गा माँ का नाम से आपको सर्च करना है वहाँ पे वीडियो आपको मिल जाएगा। तो जैसे कि दोस्तों हम डाउनलोड करके यहाँ पे हम रखे हैं, ये रहा जो मेरा जो गाना है, ये रहा यहाँ पे। ये गाना लेने के बाद आपको स्क्रॉल करके यहाँ पे ब्लेंडिंग में क्लिक करके आपको फिर स्क्रीन कर देना है और डन कर देना है। और कुछ इस तरह से थोड़ा सा हम अप्लाई करके से कुछ इस तरह से एडजस्ट आपको कर लेना है। आपको एक बार हम अप्लाई करके दिखाते हैं, आप तो दोस्तों आप सबने देख लिया कैसे एडिट किए हैं। सो तो कुछ इसी तरह से आप अच्छा से आप कर सकते हो एडिट। तो चलिए आज का वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।